जिले के साथ वाड़ी में भी कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। सीनियर सिटीजन को वैक्सीन के लिए 15 किलोमीटर वैहड में जाना पड़ रहा था। वाड़ी में ही वैक्सीन केंद्र बनाने की मांग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी वाड़ी शहर ने की थी। इस मांग को जिलाधिकारी ने मंजूरी देकर जिला स्वास्थ्य विभाग को सूचना देकर वाड़ी में गुरुवार से वाड़ी स्थित गुरुदत्त सभागृह में वैक्सीन देने का आरम्भ किया है। पहले दिन ही लोगों ने इसका लाभ उठाया। अब वाड़ी के नागरिकों को वैहड़ गोंडखैरी में जाने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री रमेश पंग ने इस समस्या को गंभीरता से लेकर तुरंत वाड़ी के नेताओं को जिलाधिकारी को ज्ञापन देने के आदेश दिए थे। अब ज्येष्ठ नागरिकों ने शनिवार से लगातार वाड़ी में वैक्सीन देने का कार्य शुरू रहेगा। सभी ने खुद होकर वैक्सीन लेने सामने आने का आह्वान THO डॉक्टर सचिन हेमके ने किया। अभी केवल 65 वर्ष के नागरिकों को ही टीका लगाया जा रहा है। फ्रंट वर्करों ने भी टीका लगाना चाहिए। 45 साल के ऊपर के लोगों को भी जल्द ही वैक्सीन का लाभ मिलेगा, यह जानकारी भी हेमके ने दी। बताया गया कि वैक्सीन के अभियान में एक डॉक्टर, एक NM व एक MPW तथा वाड़ी नगर परिषद के 2 कर्मचारी का चयन किया गया। वाड़ी के नागरिकों ने तुरंत आधार कार्ड के माध्यम से पंजीकरण करा ले, उसके बाद ही वैक्सीन मिलेगी। केंद्र में आपातकाल में एक एम्बुलेंस भी रखी जाने की जानकारी तालुका स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सचिन हेमके ने दी। बहार गोंडखैरी में वाड़ी के लोगों को वैक्सीन लेने जाना पड़ता था। अब वाड़ी में ही वैक्सीन मिलने से लोगों ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का आभार माना है। इस संदर्भ में राष्ट्रवादी कांग्रेस के पूर्व नगराध्यक्ष प्रेम झाड़े श्याम मंडपे ने बताया कि शहर को कोरोना मुक्त करने के लिए सभी ने सामने आने की आवश्यकता है। जो वैक्सीन की मुहिम सरकार ने चलाई है उसका केंद्र वाड़ी में हो, यह मांग हमने दी थी, जो जिलाधिकारी ने स्वीकार कर केंद्र शुरू किया है। केंद्र के लिए हॉल भी मुफ्त में मिला है। प्रशासन के पूर्व नगराध्यक्ष प्रेम साड़े, नगर सेवक श्याम मंडपी, राजेश जायसवाल, राष्ट्रवादी नेता संतोष नरवाड़े, सुरेंद्र मोरे, वसंतराव एखनकर के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी स्वास्थ्य अधिकारी की आभार माने। आजपासून आपण वाडी येथे गुरुदत्त सभागृह येथे आजपासून आपण लसीकरण केंद्र सुरू केलेलं आहे। या लसीकरण केंद्रामध्ये सद्यस्थितीत 65 वर्षावरील आणि सर्व नागरिकांनी याचा लाभ घ्यावा, सगळ्यांनी आम्ही लसीकरण करणार आहोत। आणि 45 वर जे लोक कोमॉर्बिडिटी, ज्यांना डायबिटीज किंवा इतर जे दुर्धर आजार आहे त्यांचं सुद्धा आम्ही डॉक्टर सर्टिफिकेट असलं तर त्यांचं सुद्धा लसीकरण करणार आहोत। आणि यानंतर लगेचच म्हणजे 1-2 दिवसानंतर शासनाने जीआर आला की सर्व 45 वर्षाच्या वयोगटाच्या वर सर्वांना आम्ही लसीकरण करणार आहोत। इथे याच्यासाठी एक डॉक्टर आहे, एक NM आहे आणि एक MPW आहे, सोबतच नगर परिषदेने त्यांचे 2 कर्मचारी पण इथे नियुक्त करणार आहे असं आम्हाला आज त्यांनी सांगितलं, CEO साहेबांनी सांगितलं। याच्यामध्ये असं आहे, सर्वांनी लसीकरण घ्यायचं आहे, ज्यांनी रजिस्ट्रेशन केलं असेल त्यांनी सुद्धा यायचं आहे, ज्यांनी रजिस्ट्रेशन केलं असेल त्यांचं आम्ही ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करू, त्यांनी फक्त आधार कार्ड घेऊन यायचं आहे आणि त्यांचं आम्ही रजिस्ट्रेशन करू आणि आम्ही सर्वांना कव्हर करू। वाडी शहरामध्ये जवळपास 7-8 हजार जे 45+ 65+ आहे त्या सर्वांना लसीकरण करण्याचा आमचा मानस आहे। नमस्कार, मागील काही दिवसापूर्वी महाराष्ट्र शासनाने संपूर्ण राज्यामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना निशुल्क कोरोना लस देण्यासंदर्भातील निर्णय घेतला आणि त्यानुसार वाडी क्षेत्रातील अनेक ज्येष्ठ नागरिकांना व्याहाड प्राथमिक आरोग्य केंद्र येथे लसीकरणाला जावं लागत होतं। या संदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते प्राध्यापक सुरेंद्रजी मोरे, मी स्वतः, माजी नगरसेवक श्यामजी मनपे, राजेशजी जयस्वाल, संतोषजी नरवाडे, अभयजी पुनावार व वाडी शहराचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष वसंतराव जीखनकर, आम्ही सर्वांनी माननीय जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिलं। जिल्हाधिकारी अनुपस्थित असल्यामुळे अपर जिल्हाधिकारी आदरणीय श्रीजी पांडे यांनी आम्हाला वेळ दिला। आमची मागणी होती की वाडी शहरातील BCN न्यूज के लिए वाडी से सौरभ पाटील की रिपोर्ट।